मैं खुद कर लूंगी वाला जुमला बोला था सुनीता, मैं खुद कर नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। देखो मैंने उनके सामने ऑप्शन ऐसी रखी कि वो बेचारे मजबूर हो गए। वो ये मैंने उनसे कहा आप देखे, मैंने पाकिस्तान में रहना है, माई फैमिली लिव्स अब्रॉड, आई वॉज लिविंग हेयर विद माई ब्रदर, उनका भी खैर इमिग्रेशन का हो गया, सो ही वॉज ऑल्सो लिविंग, तो यू नो दे नेवर अलाउड मी कि मैं कभी अकेली पाकिस्तान में, यू नो अकेली लड़की रह रही है, सो दैट वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आई रियली लाइक दिस गाय एंड यू मस्ट मीट हिम, और मुझे काम करने को मिल जाएगा, चीजें हो जाएंगी, तो मैं इसी के साथ कर लेती हूँ ताकि काम वाम भी मेरा कंटिन्यू हो जाए। अच्छा खैर, ऑन द अदर हैंड मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा पाकिस्तान में वी आर माइनॉरिटीज राइट, मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस फ्रॉम लाइक रियली गुड बैकग्राउंड्स दे माइग्रेटेड। मैंने उनसे कहा आप मुझे कोई ऐसा लड़का ढूंढ दें हु इज क्रिश्चियन एंड जो जिसके साथ मैं मतलब कंपैटिबल हो सकूं। सही। एंड दे थॉट अबाउट इट, एक दो लोगों से शायद पूछा भी होगा उन्होंने, एंड दे कुडंट फाइंड वन। सो मैंने कहा आप फैमिली से मिलें, हसन्स फैमिली माशाल्लाह माशाल्लाह इज ग्रेट, यू नो माई फैमिली लव्स हसन्स फैमिली, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। यू सी शादी जब होती है तो वो सिर्फ मियाँ से ही नहीं होती, वो पूरी फैमिली से होती है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़का तो अच्छा हो ही हो, साथ में फैमिली भी अच्छी हो। हसन थैंक यू सो मच, बड़ी बड़ी प्यारी बातें कर, नहीं ऑनेस्टली इतना अच्छा। अच्छा अब हसन की फैमिली में फिर क्या, हसन ने जब जाके बताया तो क्या सीन था? लाइक एवरी अदर, हमारे यहाँ ज्यादा होता है कि आपने कन्वर्जन की बातें आती हैं, कन्वर्जन की, और आई वुड बी, आई विल से दिस ऑन स्क्रीन दैट आई वुड बी रियली हैप्पी इफ शी एवर कन्वर्ट्स टू माय रिलीजन, एंड दैट्स नॉट जस्ट बिकॉज़ के इनका रिलीजन कहीं से भी हमसे नीचे है या कुछ ऐसा है, बट बस होता है आप जिस रिलीजन के बिलोंग करते हैं आप चाहते हैं कि लोग उसी रिलीजन के हो जाएं। बट मैं अपनी फैमिली को ये बात समझाता था कि शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, इंसान बहुत अच्छी है भी, नो डाउट, बहुत अच्छी इंसान है, तो मैं इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, तो वो उसका दिल नहीं करता कि मेरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए, क्या बातें कर रहा है यार। ये क्या बात हुई, ऐसे ही मेरे रिलीजन में कन्वर्ट, क्यों कन्वर्ट हो यार भाई, दिल उसका भी दिल करता होगा, उसे तो नहीं बोला भाई, ख्वाहिश जाहिर कर, ठीक है यार चलो सुन, ख्वाहिश जाहिर कर दी ना यार, ठीक है हां ख्वाहिश जाहिर कर दी, अब यार वो मेरी भी दोस्त है ना, मैं तो उसकी भी, मतलब यार ये क्या बात है, आई एम श्योर यू गाइस नो ईच अदर बिफोर, ऑफ कोर्स बिफोर, या मैं वैसे ये बताना चाहता हूं कि शी इज वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट you know people in the field I know that much from like day one aur aaj tak maine sunita jaisi decent ladkiyan bahut kam dekhi hain, achhi decent padhi likhi khandani ladkiyan bahut kam dekhi hain, that's totally true, so that I want to say on air because this is true. acha phir aage story leke chalenge, 2-3 kilo aur badh jayega, bade bhi bada hai hi nahi margin hai bahut acha, to bas aage ye hua ki maine actually stand liya tha, और मेरी अम्मा जाहिर हैं उनको था कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, एंड हर माँ को होता है कि ये थोड़ी सी सिचुएशंस हैं जो कि आपको पूरी फैमिली को प्रेजेंट करनी पड़े, सही सही, तो उनको भी था, लेकिन मैंने उनसे कहा मैंने करनी है, आई वांट टू, आई लाइक दिस गर्ल, बस आप तो जब मर्जी सोचे मैंने तो करनी है, हाँ हुआ यही था मैंने करनी है, और वो बेचारी थी उन्होंने शी बोर्ड डाउन ऑन माई विशेज, मतलब उन्होंने कहा ठीक है तू कर ले, शुरू के 3-4 साल हुए थे, we had problems like every other marriage, लेकिन चूंकि हमारा इंटर रिलीजन भी एक फैक्टर आता है तो चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप मैं बहुत आगे का सोचता हूँ बहुत ज़्यादा, तो आप बच्चों का सोचना, पैदा होने से पहले मैंने बच्चों का सोचना शुरू कर दिया कि आगे क्या होगा, इनसिक्योरिटी होने लग पड़ी, हाँ सही है, बहुत सोचता हूँ मैं, सो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो ये आएगा नाम कौन रखेगा, मैं रखूँगा मेरी सर, अच्छा फिर बट अच्छी बात यह है कि मुझसे ज्यादा सुनीता और मेरी अम्मा की दोस्ती है, दैट्स वंडरफुल, सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग टू सी, और उसमें ये होता है कि ये लोग मुझे कहते हैं अच्छा तुम तो जानो, तो मैं तो समझ नहीं आ रही तो मैं रूम से बाहर चला जाता हूँ, ये लोग आपस में बात करते रहते हैं, सो इन अ वे अच्छा है कि मेरी नहीं है इतनी, हाँ इन दोनों की ज्यादा है, बिकॉज देन दे डिसाइड, सही, एंड इट्स अ ब्लेसिंग कि आपके सर पे हम लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, तो वो सारा वो जो साया है ना उनका वो बचा के रखता है, वो जो रिलीजन है ना, रिलीजन जो फैक्टर है, वो जो हम लोग भी शायद नहीं कर पाते उस तरह से, उनकी जो एजुकेशन की जो इम्पार्ट कर रहे हैं वो उन पे, अगर वो ना होते तो आई डोंट थिंक वी वुड हैव, एंड आई वुड एक्चुअली ऐड हियर कि वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, दादा दादी साथ होते हैं, व्हिच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बड़ों का साया घर पे होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि वो लोग ऐसी बातें सिखा देते हैं जो माँ बाप नहीं सिखा पाते. माँ बाप आर सो बिजी इन देयर ओन लाइव्स, यंग घर के काम में, यंग पीपल वर्किंग, बोथ ऑफ यू आर वर्किंग, तो नेचुरली से बात ही नहीं कर पाते यंग पीपल जो एक्चुअली बुजुर्ग बात करते हैं. बिल्कुल सही. तो बच्चों के लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट फैमिली होना बहुत अच्छी बात है. कितनी लड़कियां सुन रही होंगी सुनीता की बातें, कह रही होंगी अच्छा हम तो कुछ और सोचते हैं, ये तो कुछ और कह रही है, ये ड्रामों में तो ऐसा नहीं होता, रोल तो ऐसे नहीं करती है, उसमें तो रो रही होती ड्रामों में, तो हमेशा रो रही होती, रो रही मेरा जालिम कोई माँ या सास मिल जाती ड्रामों में. असल में ऐसा नहीं है भाई, असल में जबरदस्त कहानी. अच्छा तो बच्चे माशाल्लाह अब क्या होता है कि यू बोथ आर वर्किंग, तो बच्चे फिर ग्रैंड पेरेंट्स के पास होते जाते हैं? मैं तो खैर अब इतना काम नहीं कर रही हूँ, आई हार्डली वर्क. मैं तो साल में एक ड्रामा करती हूँ अपनी मर्जी से. अपनी मर्जी से आई कांट, बिकॉज़ यू सी आई हैव टू स्पेंड टाइम विद किड्स आल्सो. तो अभी अपने करियर में कोई फ्यूचर प्लान है कि करियर में मुझे अभी ये फ्यूचर प्लान ये है कि मैं आगे माँ और दादियों का रोल करूंगी. अभी तो उसमें बहुत देर है भाई, अभी तो नहीं कहीं से हमें लगता कि लेकिन ये फ्यूचर प्लान बस मेरा यही है कि आई विल कंटिन्यू माय एक्टिंग. ऑब्वियसली मॉडलिंग तो नहीं एंड तक जा सकती, लेकिन अच्छा फिर हसन ने इतने अच्छा डाइवर्सिफाई मैंने देखा कि बिकॉज ही इज अ वेरी गुड एक्टर, और जब शुरू में इतना रुझान नहीं था जब इसका, और फिर अचानक से इस फील्ड में आना और फिर एक्टिंग अच्छी करना, तो ये बड़ा एक क्या शुरू से था ये कि एक्टिंग करूंगा? नहीं, मुझे नजर आया कि यहाँ बहुत कंपटीशन है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, तो बेटा आप सीधे हो जाओ वरना. नहीं, बिकॉज यू डूइंग वेल, और मैंने देखा कि जो कैरेक्टर भी अगर करते हो तो वो बनाता है हसन, और सोचता मैं मतलब देखता हूँ, आई फॉलो ऑल द एक्टर्स. थोड़ा सा नाना के भी इंस्टिंक्ट्स है ना. माय नाना उस लतीफ कपाड़िया, उनके भी थोड़े से कुछ. लेकिन मुझे ना शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था तो हर एक एक्टर का ख्वाब होता है कि आप हीरो हीरो के रोल्स करें, राइट? वो मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मुझे कुछ सिखाना था. आई हैव दिस फीलिंग कि मैं जो भी करता हूँ ना, या मैं कुछ भी होता है मेरी लाइफ में, वो अल्लाह ताला मुझे कुछ सिखा रहा होता है. तो मुझे आज तक हीरो का रोल नहीं मिला, नेवर इन माई लाइफ. नो वन ऑफर्ड मी, नंबर वन. नंबर टू, ख्वाहिश मैंने बहुत जाहिर की. मैंने यहाँ तक कहा है कि मैं जब लोगों के साथ काम कर रहा था कि यार मुझे ये वाला कैरेक्टर करना है, कहते नहीं ये तो आप नहीं, आप ये वाला. मैं कहता क्यों, मेरे अंदर क्या कमी है? मैं गुड लुकिंग गाय, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. Why? तारीफ अपनी देखो. हाँ, खुद तारीफ. Why doesn't this, why do you, don't you offer me this role? लेकिन वो अच्छी चीज़ ये हुई कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप कैरेक्टर्स कर रहे हैं ना. हाँ. और एक हमारे सईद आदम हुसैन मरहूम, जिनके भी रिसेंटली डेथ हुई है, बिल्कुल उन्होंने मुझे समझाया कि तुम अगर कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, चुपचाप कैरेक्टर्स करो, उनको बनाना शुरू करो कैरेक्टर्स को. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. तो अब प्राउडली मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आती कि यार मैंने वो मिस आउट खान के साथ मैं नेगेटिव या वो कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ या मैं एहसन की जगह क्यों नहीं कर रहा काम एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. एट फर्स्ट आई यूज्ड टू बी बिटर, आई एम वेरी ओपनली एडमिटिंग टू दिस कि यार ये क्या बकवास है. लेकिन हर इंसान के इस फील्ड में, इनफैक्ट हर फील्ड में एक अपना मुकाम होता है. सही. आपको उस मुकाम में रहते हुए आप कितना अपना अच्छा दे सकते हो. और हसन, आई पर्सनली फील दैट हीरो और हीरोइन का जो एज है ना ऑन स्क्रीन, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है. अनलेस एंड अंटिल यू आर अ ग्रेट एक्टर एंड इफ यू डाइवर्सिफाई एज एन एक्टर, आप अपने कैरेक्टर्स बनाएं, आप मुख्तलिफ कैरेक्टर, उसमें मजा भी अलग है. अगर एक्टिंग का एंजॉयमेंट है तो वो कैरेक्टर्स में आता है. और फिर उसमें आपकी एक लिमिटलेस लाइफ है, यानी आप शायद 50-60-70 साल के भी होंगे तो आपके लिए फिर कैरेक्टर्स बनते हैं. कैरेक्टर एक्टर्स में इतनी एक्टिंग का मार्जिन होता है, इतना मजा आता है करने में. मैं हर वक्त जैसे हसन कहता था मुझे हीरो बना के रोल चाहिए, मैं कहती थी प्लीज मुझे कोई नेगेटिव कैरेक्टर करा दे, कोई देता ही नहीं था. और उसमें ये भी मासूम लगती हो ना हसन, मासूम नहीं लगता ना. आप ये भी रियलाइज नहीं कर रहे होते कि जैसे मैं एक शाय इंसान था जब मैं इस फील्ड में आया. अच्छा. आई वाज वेरी शाय. लेकिन जब आप ये कैरेक्टर करते हो ना, एक्टिंग, ये कैरेक्टर रोल्स जब आप करते हैं, तो आपकी वो कुछ चीजें आप एक्सप्लोर करते हैं. कॉन्फिडेंस बढ़ता है, निकलती है. वो अजीब अजीब कपड़े पहनना, मुख्तलिफ अंदाज में बोलना, कुछ नया करना, दैट यू नो इट इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस. एग्जैक्टली. सो आई थिंक व्हाटएवर हैपेंस टू एनीवन इन लाइफ, आप उसको एज अ लर्निंग अगर लेंगे ना, तो आपके अपने लिए ही फायदा. ठीक है जनाब, जबरदस्त है, बड़ी मजे की गपशप चल रही है इन दोनों से, क्योंकि इतनी डिटेल में जिंदगी में कभी बात नहीं हुई मेरी जो शो के बहाने से होती है. नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.